देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। सहायक भू संरक्षक अधिकारी के पास 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा। आत्महत्या से थर्राया छिंदवाड़ा शहर, रिटायर्ड कर्मी ने खुद को गोली मारी और 2 ने लगाई फांसी। नागपुर में खुला देश का पहला LNG पंप, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया लोकार्पण। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। रीवा संभाग के उमरिया जिले में पदस्थ सहायक भू संरक्षक अधिकारी मुनिंदर कुमार दुबे के पास करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा उनके 4 ठिकानों शहडोल, रीवा तथा भोपाल व उमरिया में बुधवार की सुबह 5 बजे एक साथ छापे की कार्रवाई की गई। शाम तक मिली जानकारी के अनुसार मुनिंदर के पास 1 किलो सोने की ईंट व 70 लाख के जेवरात को मिलाकर लगभग 6 करोड़ 77 लाख रुपए की संपत्तियों का खुलासा हो चुका है। लोकायुक्त SP के अनुसार अभी कार्रवाई जारी है। उमरिया में 10 वर्ष से तैनात इस अधिकारी की काली कमाई की गोपनीय शिकायत रीवा लोकायुक्त कार्यालय पहुंची थी। इसके बाद SP लोकायुक्त राजेंद्र कुमार वर्मा ने इसका सत्यापन कराया तो शिकायत सही पाई गई। फिर मामला रजिस्टर कर कोर्ट से 4 शहरों में दबिश देने के लिए सर्च वारंट निकाला गया। दूसरी खबर, छिंदवाड़ा के देहात क्षेत्र के लोहार ढाना में मंगलवार सुबह WCL से रिटायर कर्मचारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस सनसनीखेज वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा। रिटायर्ड कर्मी ने सिर में गोली मारी, गोली सिर में धंस गई। वहीं सिंगोड़ी के ग्राम भजिया की एक महिला ने बीमारी से परेशान होकर फांसी लगा ली और धर्म टेकड़ी चौकी क्षेत्र के एक शख्स ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर खुद का जीवन समाप्त कर लिया। वहीं शहर के एक निजी अस्पताल में जहर के सेवन के बाद भर्ती युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। तीसरी खबर, पूरी दुनिया सहित भारत इन दिनों पर्यावरण प्रदूषण से बचने के उपाय ढूंढ रहा है। भारत में पारंपरिक ईंधन पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अन्य ईंधन विकल्पों को लेकर सरकार भी काफी सतर्क नजर आ रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में देश के पहले कमर्शियल तरल प्राकृतिक गैस यानी LNG प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में नितिन गडकरी ने ऊर्जा के क्षेत्र में वैकल्पिक जैव ईंधन के महत्व को जोर दिया। यह प्लांट नागपुर जबलपुर हाईवे के पास कामटी रोड पर स्थापित किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हम पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए 8 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हमने एक ऐसी नीति तैयार की है जिससे देश में स्वदेशी इथेनॉल, जैव CNG, LNG और हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आयात किए जाने वाले ईंधन के विकल्प के तौर पर काम करेगा। उन्होंने आगे कहा कि LNG, CNG या इथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के अधिक उपयोग से पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी। इस वैकल्पिक ईंधन को उन्होंने परिवहन के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव बताया है। इसी के साथ तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार।